Welcome to Learn with Lily. Today we are starting with your Hindi class 4, chapter 5. And the name of the chapter is Aise Aise. So let's do the question and answers. The first question is, Mohan ki maa ko kya kya chintaye sata rahi thi? Mohan ki maa ko kai chintaye sata rahi thi, jaise... एक, मोहन ने कुछ अंत शंत तो नहीं खा लिया। दो, उसे कोई नई बीमारी तो नहीं हुई है। प्रश्न दो, ऐसे ऐसे की दवा किसके पास थी और वह क्या थी? उत्तर, ऐसे ऐसे की दवा मास्टर जी के पास थी। मोहन को स्कूल से 2 दिन की छुट्टी दी जाए ताकि वह अपने स्कूल का काम पूरा कर सके, यह दवा दी। प्रश्न 3, पिता ने फोन का चौका रखते हुए चैन की सांस ली, क्यों? उत्तर, पिताजी ने फोन का चौका रखते हुए चैन की सांस इसलिए ली क्योंकि डॉक्टर साहब मोहन को देखने के बस 5 मिनट में आने वाला थे। पेट की तकलीफ के लिए माँ ने कौन कौन सी प्राथमिक उपचार किए? पेट की तकलीफ के लिए माने एक चूरन, दो हींग, 3 पेपरमिंट दिया और 4 गर्म पानी से सेका। मोहन को देखने तथा इलाज करने के लिए कौन कौन आया, क्रम से लिखिए। मोहन को देखने तथा इलाज करने के लिए दिनानाथ, पड़ोसी, वैद्य जी, डॉक्टर, पड़ोसन और मास्टर जी आए। घर में परेशानी का माहौल सहसा हंसी की गूंज में बदल जाता है, क्यों? सभी लोगों को जब मोहन के पेट दर्द का सही कारण पता चला, जो कि स्कूल का काम पूरा नहीं हुआ था और उस कारण उसे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए थी, जिसके लिए उसने पेट दर्द का नाटक किया। यह सुनकर माहौल हंसी में बदल जाता है। पाठ के आधार पर लिखिए किसने किससे कहा। कटन, वाह तुमने तो खूब चकाया, पिताजी ने मोहन से कहा। वैद्य जी, यह आपकी बेंट, पिताजी ने वैद्य जी से कहा। असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है, वैद्य जी ने पिताजी से कहा। हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए, डॉक्टर ने माँ से कहा। जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं, माँ ने मोहन से कहा। पाठ के आधार पर वाक्यों को सही क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 दीजिए। बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। कोलिक पेन तो है नहीं,
जरा भी कर नहीं पड़ती। डॉक्टर साहेब चल दिए हैं। नाड़ी दबाकर वाट का प्रकोप है। पाठ के आधार पर दो प्रश्न बनाइए। ख, मोहन ने किसे खूब चकाया? ख, मोहन क्यों नाटक कर रहा था? निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाइए। ख, वैद्य जी को किसने बुलाया था? दिनानाथ ने। माँ किसकी बात सुनकर ठगी सी रह जाती है? मास्टर जी की। मास्टर जी के अनुसार ऐसे ऐसे की बीमारी अक्सर किन्हें होती है? बच्चों को। ऐसे ऐसे किस चीज का दर्द निकला? गृह कार्य ना करने का। पिता के अनुसार मोहन ने क्या खाया था? संतरा और केला। गृह कार्य ना करने के कारण मोहन को ऐसे ऐसे का नाटक करना पड़ा। आप मोहन की दिनचर्या का को व्यवस्थित करने के लिए समय सारिणी बनाइए। कार्य एंड समय सीमा। प्रातः उठना, कसरत करना 7 से 8 सुबह, नाश्ता और प्रार्थना करना 8 से 9 सुबह, स्कूल का कार्य पूर्ण करना 9 से 1 दोपहर को, दोपहर का भोजन 1 से 7 शाम, और वाचन और आराम 7 से 9 रात। दिए गए चित्रों को समझकर कहानी लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द पहचान कर लिखिए। मैं वैद्य जी से कह आया हूँ। मैं, मुझे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। मुझे। दिनानाथ जी, आप ही गुड़िया ले लो। आप, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। आपको। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं। यह। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। माताजी, पिताजी। बेटा, बेटी। मास्टर, मास्टरानी। लड़की, लड़का, लड़की। पड़ोसी, पड़ोसन। छात्र, छात्रा। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द पहचान कर लिखिए। ख, तीसरी क्लास में पढ़ता हूँ। तीसरी। कोई बड़ी खराब बीमारी है। खराब। चेहरा एकदम सफेद हो रहा है। सफेद। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। 5। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। सुंदर। निम्नलिखित मुहावरों
लोकोक्तियों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाए। ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सिंह। पढ़ाई का नाम लेते ही मोहन ऐसे भागता है जैसे गधे के सिर से सिंह। चेहरा सफेद होना। तेज बुखार के कारण राजू का चेहरा सफेद पड़ गया है। हवाइयां उड़ना। शेर को सड़क पर देखकर लोगों की हवाइयां उड़ने लगी। पेट में दादी होना। तेनालीराम के पेट में दादी थी तभी तो उसने विजयनगर को छोड़ा। दिए गए उदाहरण समझकर अन्य शब्द लिखिए। गृह कार्य गृह का कार्य। सड़क किनारे सड़क का किनारे। वाट प्रकोप वाट का प्रकोप। रसोई घर रसोई का घर। So if you enjoyed my video, please do like, share, subscribe, and thank you so much for sharing.